हेलो फ्रेंड्स, आज के हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस के लिए, अपर पीसीएस के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं और हम आशा करते हैं डेली आप लोग इनको कर रहे होंगे। हम इसमें करंट के साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन, जो क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में आते ही हैं, उनको हम कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी गैसेस होती हैं? ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैसें होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि करती हैं। यानी ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो सूर्य से आने वाली किरणों को ज़्यादा ट्रैप कर लेती हैं, ज़्यादा रोक लेती हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या होता है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस वो गैसें हैं जो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि करने में सहयोग करती हैं। और काम कैसे करती हैं? ये सूर्य से आने वाली किरणों को एक सीमा से अधिक रोक लेती हैं। उन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो इसमें जलवाष्प भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये बात ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड कृत्रिम रूप से प्रभावित करती है। जो मानव द्वारा जो प्रॉब्लम है वो CO2 से है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सभी इसमें ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो हमने इसमें बात की ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैस कैसे काम करती हैं और कौन कौन सी गैस होती हैं। तो जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैली से निर्मल पुनरुद्धार योजना का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने सिफारिश पर प्रारंभ किया है। यानी किसके लिए मैली से निर्मल पुनरुद्धार योजना शुरू की है? यमुना के लिए, ये ध्यान रखना है, यमुना के लिए शुरू की गई है। मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना पूछेगा किसने शुरू की गई है, तो NGT के द्वारा से की गई है। किसके लिए शुरू की गई है? यमुना के लिए। देखिए, NGT जो है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस कन्वेंशन के तहत भारत का एक तय समय सीमा के अंदर ODS है ना, यानी ओजोन रिक्तिकरण पदार्थ के उत्पादन खपत को नियंत्रित करना था। यानी ऐसे पदार्थों को नियंत्रित करना था जो ओजोन डिप्लेशन में सहयोग करते हैं, यानी जो ओजोन क्षण में काम करते हैं। तो हमने ऐसा कन्वेंशन कब किया था, किस समय किया था? तो पहली बात है, तो ओजोन समझ लेते हैं क्या है। तो ओजोन को हम O3 भी कहते हैं, ठीक है। ओजोन एक ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली UV रेस को, यानी अल्ट्रा वाइड रेस को, यानी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने पर रोकती है। अल्ट्रा वायलेट जो रेस हैं वो क्या करती हैं, पृथ्वी पर आकर इंसान को और पूरा लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। यूवी रेस से 3 प्रमुख बीमारियां होती हैं। पहली है ग्लूकोमा, जो अब तक आपने नहीं सुनी होगी, ग्लूकोमा की बीमारी यूवी रेस से होती है। ग्लूकोमा एक आँख संबंधी बीमारी है। दूसरी बीमारी है स्किन कैंसर, और तीसरी बीमारी है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर माने होता है कि जो बच्चा पेट में है, गर्भ में है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाना, जैसे हाथ का बढ़ जाना, गला छोटा हो जाना, ठीक है, कोई भी शरीर का अंग उसका विकृत हो जाना। तो ओजोन अगर नहीं होगी, अल्ट्रावाइट रेस आएंगी, तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। पहली ग्लूकोमा, दूसरी स्किन कैंसर, तीसरी जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ऐसा समझौता हमने कब किया है, तो वो किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक है। मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहाँ हमने एक समझौता किया था विश्व के देशों ने कि हम ओजोन को जो हानि पहुँचाती हैं, ओजोन को लेयर को जो कम करती हैं, ऐसी गैसों को हम कम करेंगे, ठीक है। तो ओजोन गैस में सबसे ज़्यादा जो
काम करती है, जो नुकसान पहुंचाती, वो है सीएफसी, ठीक है, वो सीएफसी है सबसे ज़्यादा, सीएफसी गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाली समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है? यानी जब एक वर्ड है इसमें उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप आपको समझना क्या है, उपमहाद्वीप का मतलब होता है कि महाद्वीप से छोटा, यानी जिसकी जलवायु और संस्कृति एक जैसी हो। उप जो कॉन्टिनेंट वर्ड है वो क्लाइमेट को लेके है ना, जलवायु को लेके, यानी उसमें कई प्रकार की जलवायु होती हैं एक कॉन्टिनेंट में। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार शामिल है। यानी भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, इनकी सबकी संस्कृति और जलवायु लगभग समान है, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप को आप समझ गए क्या कहलाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत, इन उत्तर भारत, इन सबको मिलाकर उपमहाद्वीप कहते हैं। तो पूछा है कि 5 कछुओं की प्रजाति में सबसे ज़्यादा प्रजाति कौन सी पाई जाती, तो वह है ओलिव रिडले, ठीक है। ओलिव रिडले कछुआ सबसे ज़्यादा भारत में उड़ीसा के तट पर पाए जाते हैं। ओलिव रिडले की एक खास बात यह है कि ये बहुत छोटे कछुए होते हैं, एक्चुअली करंट का भी क्वेश्चन है, ये बहुत छोटे कछुए होते हैं, इनका जब लोग मछली पकड़ते हैं तो उनके साथ आ जाते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इनकी खासियत ये है कि ओलिव रिडले जहाँ पैदा होंगे वहीं ये प्रजनन करते हैं। अगर मान लीजिए उड़ीसा में किसी जगह पैदा हुआ है कोई ओलिव रिडले, तो जब भी उसको प्रजनन करना होगा, जब भी बच्चे देना होगा, तो जहाँ वो खुद पैदा हुआ है वहीं वो वापस लौट के आता है, ये इस कछुए की विशेषता है। तो ओलिव रिडले पूर्वी तट पर, उड़ीसा के तट पर ज़्यादा पाए जाते हैं और ये बहुत छोटे कछुए होते हैं। इन्हें मछली पकड़ने जो लोग पकड़ते हैं वो जाल में ये भी साथ आ जाते हैं, मछली तो लोग ले जाते हैं और इनको वहीं छोड़ देते हैं, तो इसलिए इन्हें खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशालकाय पांडा वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF का आधिकारिक प्रतीक यह जानवर किस देश में पाया जाता है? यानी जो WWF की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, है ना, तो वो है रेड पांडा, ये ध्यान रखना है, रेड पांडा है, और रेड पांडा पाया जाता है चाइना में और भारत में अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें चाइना में सबसे ज़्यादा रेड पांडा पाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा WWF का प्रतीक क्या है, तो रेड पांडा है, वो कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, चाइना में, अगर भारत की पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में। रेड पांडा की खासियत है कि वो यूकेलिप्टिस की पत्तियों को खाता है, केवल वो यूकेलिप्टिस की पत्तों को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है? तो बाखरा, चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, कछुआ, तो इसमें है बाखरा, ठीक है। बाखरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश संत कबीर, उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर सबसे कम एजुकेशन वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभयारण्य कछुओं, गंगा डॉल्फिन, अन्य जल जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कछुआ अभयारण्य, ये ध्यान रखना है, ये कछुआ अभयारण्य है, यानी इसका ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? कछुआ, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, कटरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो जो मेरठ के आसपास में है वो है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। ये क्वेश्चन मैंने यूपी के भी शामिल किए थे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लोअर पीसीएस की, तो उसमें कुछ क्वेश्चन स्टेट से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश पर में कहाँ पर पाया जाता है? पटना पक्षी अभयारण्य गोंडा, बांदा, चित्रकूट जिला,
एटा, एटा नहीं है, एटा है ये, ठीक है। तो पटना पक्षी विहार एटा में पाया जाता है, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में निम्नलिखित में से किस पक्षी अभयारण्य की स्थापना स्थानीय निवासियों और प्रवासी पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास और जलीय वनस्पति के लिए रक्षा के लिए की गई थी? तो सैंडी पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य है तो पक्षी अभयारण्य सैंडी पक्षी अभयारण्य। तो ये पूछ सकता है कि हरदोई जिले में कौन सा पक्षी अभयारण्य है, सैंडी, या ये पूछ सकता है सैंडी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर है ए। तो ये तो थे आज के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर आएंगे। थैंक यू।